हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ ये केबल वाला डिज़ाइन, और ये जेंट स्वेटर का डिज़ाइन है, बट आप इसको कार्डिगन पे भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पे काफ़ी अच्छा लगता है ये। और मैंने इस वाले स्वेटर पे जो डाला है ये मैंने साइड में सीधे फंदे रखे हैं, मैंने इसमें केबल नहीं डाली है। बीच में भी हम केबल डाल सकते हैं सिंगल वाली, लेकिन मैंने नहीं डाली है। और बीच में मैंने दो फंदे गैप देने के लिए, दो या चार फंदे भी डाल सकते हैं, उल्टे रखे हैं, उससे जो केबल है वो उभर के आती है। तो मैंने बाजू पे भी यही डिज़ाइन डाला है दोनों स्लीव्स पे। आप इसको सिर्फ फ्रंट में भी डाल सकते हैं और या फिर दोनों साइड डाल सकते हैं, फ्रंट बैक में, और या इसकी बीच बीच वाली केबल भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरे में डालना है, जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे ही डालिए। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है ये, और इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद जब आप फंदे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद उल्टी सिलाई करके यहाँ से कैसे शुरू करना है वो मैं बताऊंगी। तो देखिए, तो बेसिकली ये 16 फंदों का डिज़ाइन है, और यहाँ पे दो मैंने उल्टे रखे हैं गैप देने के लिए, और यहाँ से भी दो उल्टे गैप देने के लिए रखे हैं। तो 16 और दो 18 फंदों का डिज़ाइन है। यहाँ पे चार मैंने सीधे रखे हैं और इधर मैंने चार सीधे रखे हैं। तो आप चाहें तो इधर केबल डाल सकते हैं सिंपल वाली, और इधर भी सिंपल वाली केबल डाल सकते हैं साइड साइड में, और बीच में ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन आपको कैसी करनी है, पहला फंदा मैंने ऐसे उतारा और अब चार फंदे सीधे होंगे। चार फंदे सीधे कर लिए, और अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे आएंगे, पहले एक और ये दो। ये दो फंदे उल्टे आ गए। तो जो ये 16 फंदे हैं बीच के, इनको हमें बनाना है केबल। जो पूरा डिज़ाइन बनेगा वो इन 16 फंदों में बनेगा, तो वो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें 8-8 फंदे डिवाइड कर लेने हैं, दो चार और चार आठ, आठ फंदे ये हो गए और आठ फंदे इधर हो गए। तो सबसे पहले हमें इस वाले इन वालों फंदों को इधर से उधर करना है। तो कैसे करना है, आप इनको चाहे तो दूसरे निडल पे डाल के भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम होती है, और इन फंदों को थोड़ा सा हम लूज रखेंगे, नहीं तो केबल बनाने में मुश्किल होती है, तो इसलिए इन फंदों को थोड़ा हम लूज बनाएंगे। तो धागा पीछे करिए, और अब जो ये वाले फंदे हैं इनको हम बाद में बनाएंगे, और ये वाले फंदे हैं इनको हम पहले बनाएंगे। तो पहले हम पीछे के, इसलिए इनको पहले इस पे उतारा, और फिर ये वाले जो फंदे हैं ये हम इस वाले निडल पे ले लेंगे। तो ये हमने इस पे ले लिए, और अब इनको इस वाली नीडल पे ऐसे डालेंगे। ये देखिए, और अब हम इनको सीधा बनाएंगे सारे, एक दो तीन चार, चार ये हो गए, और एक दो तीन और ये चार हो गए। तो आठ फंदे ये इधर आ गए, और जो ये वाले आठ फंदे हैं इनकी भी हम एक केबल बनाएंगे। बट हम कैसे बनाएंगे कि अब हम यहाँ से इनको पलटेंगे, चार आगे के हो गए और ये चार पीछे के हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इन वाले फंदों को हम इसमें पीछे से लेंगे, जो पीछे वाले फंदे हैं वो हम यहाँ से लेंगे, और जो आगे वाले फंदे हैं वो यहाँ से। तो इससे ये डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से
ये वाली लाइन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और अब ये सारे फंदे ले लेंगे इस पे, ये देखिए, और अब हम इनको बुन लेंगे। तो ये हमने बुन लिया। तो ये हो गए 8 फंदे आपके कंप्लीट। तो यहाँ से ये डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए फर्स्ट वाली लाइन है ये, फर्स्ट में आपको ऐसी करना है। अब इसके बाद 2 फंदे उल्टे आएंगे और अब 4 फंदे सीधे। तो उल्टी लाइन हम पूरी उल्टी करेंगे। देखिए उल्टे में कुछ नहीं करना है, उल्टी सारी लाइन ऐसे उल्टी आएंगी ऐसे। ये देखिए, तो उल्टी लाइन में एक ही बार बता देती हूँ, ऐसे ही आएंगी सारी लाइन। थोड़ा सा ये फंदे टाइट हो जाते हैं, इनको थोड़ा आराम से बनाइएगा। तो अब 8 लाइन हमें कैसे बनानी है। पहला फंदा मैं उतारूंगी और 1, 2, 3 और ये 4 फंदे यहाँ पे सीधे आएंगे और उसके बाद 2 फंदे उल्टे और अब ये 16 फंदे सीधे। ये देखिए ये डिजाइन वाले जो 16 फंदे हैं वो पूरे सीधे सीधे आएंगे। अब इसके बाद जो ये 2 फंदे हैं ये उल्टे ही आएंगे पूरी सिलाई में और ये 4 फंदे फिर सीधे। तो ऐसे ही ये डिजाइन बनता जाएगा फिर। तो 8 लाइंस ऐसी आएंगी और फिर पीछे की लाइंस हमेशा उल्टी ही आएगी, पीछे की उल्टी उल्टी ही बनाएंगे हम हर बार ऐसे करके रहेंगे। तो मैं ये आपको 8 लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए 8 सलाई हो चुकी हैं। 8 सलाई जहाँ पे सीधा था वहाँ पे सीधा ही किया, जहाँ पे उल्टा था वहाँ पे उल्टा ही किया, और सीधी सिलाई की उल्टी सिलाई की, सीधी उल्टी करके 8 सलाई कर ली। फिर से इस डिजाइन को बनाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, 1, 2, 4 फंदे फिर से यहाँ पे, 3, 4, 4 फंदे यहाँ पे फिर से सीधे आएंगे और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे और अब फिर से। तो देखिए डिजाइन कैसे डालना है कि जो ये 16 फंदे हैं बीच के डिजाइन वाले जो 16 फंदे हैं उनमें से 8 इधर होंगे और 8 इधर होंगे, तो 4 और 4 8 ये इधर हो गए और 8 इस साइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहले वाले फंदे हैं उनको उतार लेंगे और दूसरे वाले भी उतार लेंगे और पहले उसको हम पीछे वाली सिलाई पे चढ़ा देंगे। सारे फंदे उतारे और वो पहले वाले पीछे से चढ़ा लिए और ये इस साइड से इस तरह से ये हो गए। ये देखिए ये पीछे की साइड चले गए आगे वाले और आगे वाले ऐसे आ जाएंगे।
इस साइड, और आप क्या करेंगे इनको फिर से सीधा बुनेंगे। ये देखिए चार पाँच छ सात और ये आठ, तो ये हो गया इधर का। अब इधर का क्या करना है, इधर वाले भी हम पूरे उतारे, फंदे हमने उतार लिए, और जो पीछे वाले फंदे हैं, पीछे के जो चार हैं, वो पहले हम इस पे ले लेंगे, इस तरह से, और आगे के चार इस वाली पे, तो ये ऐसे हो जाएंगे, इस तरह से इनको लेंगे, और आप सारे फंदे इस वाली पे चढ़ा लिए। तो इनको हमें सीधा बनाना है, इनको भी बना लेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, तो ये हो गए आठ, इसके 16 फंदे हो गए, एक दो ये उल्टे आएंगे, फिर से ये चार फंदे सीधे आएंगे। तो ये जो मैंने साइड में फंदे डाले हैं, ये मैंने गैप देने के लिए डाले हैं। आप चाहे तो इनमें सेम आप इसमें ये वाला डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये वाला या तो केबल इसमें केबल डाल सकते हैं, या फिर आप ये वाला डिज़ाइन सिर्फ बीच में डाल सकते हैं, स्वेटर के जेंट स्वेटर के बीच में ये वाला डाल सकते हैं, और साइड साइड में प्लेन रख सकते हैं। डिज़ाइन बन चुका है, इसी तरह से आएगा। अब हम करेंगे उल्टी सिलाई, तो उल्टी सिलाई करने के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको, उल्टी सिलाई में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये हो गई उल्टी सिलाई। अब जब हम इनको ट्विस्ट करेंगे फंदों को, तो उसके बाद हम जब उल्टी सिलाई करेंगे, उसके बाद हमें गिनने हैं आठ सिलाई। यहाँ पहले सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, तो ऐसे करके आठ सिलाई करनी है। फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है, और फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए डिज़ाइन चढ़ना शुरू हो गया है इस पे, ये देखिए। तो ऐसे ये डिज़ाइन ऊपर तक चढ़ता जाएगा, और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।